Welcome to Bollywood Spy. This is Roshni, and today we have with us Ankit Batla with us. Welcome to Bollywood Spy. Hi, thank you. Thank you, Roshni. Nice to have you guys have me over here. Thank you. Thank you so much for your time, Ankit. Firstly, सिद्धांत का जो कैरेक्टर है घर एक मंदिर बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है और अब तो एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि डबल डोज मिलने वाला है आपकी सारी फैंस को और ये म्यूजिक पूरी तरह से स्प्रेड हो चुकी है. पीपल आर सो एक्साइटेड फॉर यू नो न्यू प्लॉट्स एंड आपके ये दो अवतार. क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सो पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका बिकॉज उन्होंने सिद्धांत सिन्हा को इतना प्यार दिया है जो कि बहुत ही मतलब नेगेटिव कैरेक्टर तो नहीं मैं उसे ग्रे कैरेक्टर कहूंगा था. तो मुझे बहुत ही डर था क्योंकि नॉर्मली जब आप एक शो में एंटर करते हैं बीच से तो यू नो वो भी एक ग्रे कैरेक्टर के साथ जो कि लीड पेयर को अलग कर रहा होता है तो बहुत सारी गालियां पड़ती है. बट फॉर्चुनेटली लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया एंड लोगों ने बहुत प्यार किया. इनफैक्ट मैंने कल ही एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे कि क्या आप सिद्धांत सिन्हा को मिस करते हैं और मैक्सिमम 98% ऑफ द पीपल सेड यस वी मिस हिम. बट यस अब डबल डोज है. वेदांत सिन्हा जो कि सिद्धांत सिन्हा का भाई है वो आ चुका है और जैसा कि बहुत सारे फैंस को पता भी है कि वेदांत इज अ लॉयर तो वो सिद्धांत से एकदम ही विपरीत है एंड चाहे जिस तरह वो बोलता है जिस तरह उसके वो कपड़े पहनता है और उसके आदर्श जो है सो एवरीथिंग इज डिफरेंट. So yes, it's a double dose and I'm very excited about it. Right. अच्छा, but ये कैसा होता है double characters play करना? I mean, double role बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है क्योंकि जब दो अलग-अलग shades आपको साथ में portray करने को मिले, how is it for you? Definitely मुश्किल तो होता ही है because आप एक character बन रहे हैं और आप वही character का जवाब भी आप ही दे रहे हैं. So Siddhant is also in the frame and Vedant is also in the same. So जब सिद्धांत वेदांत से बात करता है और वेदांत सिद्धांत से बात करता है तो बहुत मुश्किल होती है, कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि यू नो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि कहाँ पे कौन खड़ा है एक्सेट्रा बिकॉज इट्स एक्चुअली अ कैमरा ट्रिक. सो वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है जिसके लिए आई थिंक मैं अपने डायरेक्टर को बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत ही आसानी से यू नो ही वॉज एबल टू काइंड ऑफ एग्जीक्यूट दिस एंड हेल्प मी डू इट. ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लुक एंड कैरेक्टर्स दोनों बहुत ही अलग हैं. One is a really flamboyant, smart guy with formals. The other is a typical, you know, good boy with spectacles. So, my hairstylist also works very hard because, you know, obviously we have to look totally different. So, it's very challenging, but I'm one of the few lucky actors who got this opportunity. So, I'm very, very blessed. Okay, but if we want to know from Ankit, who likes which character more to play now, which it would be, Siddhant or Vedant? यार आई डोंट नो बिकॉज यू नो ट्रस्ट मी दोनों एकदम अलग है तो कभी कभी मुझे सिद्धांत से प्यार हो जाता है कभी मुझे वेदांत से मोहब्बत हो जाती है. सो आई डोंट नो विच वन आई लव मोर बट ऑनेस्टली अभी तो जर्नी बहुत ही खूबसूरत शुरू होने वाली है बिकॉज वेदांत का कैरेक्टर अब फुल फ्लेज्ड एकदम लोगों को दिखने वाला है. सो नाउ इज वेन द टाइम विल कम वेयर पीपल विल एक्चुअली गेट टू सी एंड मीट वेदांत सिन्हा इन द शो. ओके अंकित, अपार्ट फ्रॉम दिस क्योंकि हम जानते हैं कि टीवी शोज का जो एक स्केड्यूल होता है बहुत ही ज्यादा बिजी होता है, 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है, तो ऐसे में जब आपको खुद के लिए समय मिलता है हाउ डू यू लाइक टू स्पेंड योर डे? आई लव रीडिंग. तो मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, स्पिरिचुअल किताबें. मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है. सो इनफैक्ट मेरा जो डोमेस्टिक हेल्प है वो हमेशा यही बोलता है कि भैया आप खुद इतना अच्छा खाना बना लेते हो तो आपने मुझे क्यों रखा है. सो इन माई फ्री टाइम आई लव टू कुक एंड यू नो कॉल माई फ्रेंड्स ओवर तो हम लोग वो करते हैं या मैं किताबें पढ़ता हूँ. What do you like to cook? What is a very good question because मुझे सब कुछ ही बनाना बहुत पसंद है यार. चाहे वो बटर चिकन हो, चाहे वो इडली हो, चाहे वो पास्ता हो, चाहे वो थाई ग्रीन करी हो. So जिसको जो पसंद है मैं वो सब बना सकता हूँ. Lovely, lovely. Okay, apart from that, आपने कहा कि books भी पढ़ना आपको पसंद है. किस तरह की book, मतलब what is your genre? I'm right now reading Ikigai, जो कि बहुत ही popular book है, which is a Japanese way of leading a happy life. And I follow Buddhism, Nichiren Daishonin Buddhism. तो उनकी जो किताबें हैं मैं वो बिल्कुल वो पढ़ता हूँ. So we have a book called, you know, there are a lot of books actually which are from Buddhism prefecture, and I like to read all of them. So New Human Revolution is one of the books which I'm reading right now. अंकित, आपके फिजिक को आपके फैंस काफी ज्यादा एडमायर करते हैं. वीड लाइक टू नो व्हाट इज योर डाइट प्लान जो आप फॉलो करते हैं. लाइक अगर आप अपना डे प्लान बता सके, व्हाट ऑल थिंग्स डू यू इंक्लूड इन योर डाइट?
सो आई थिंक बहुत सिंपल है मेरा डाइट प्लान. आई लव ईटिंग एंड कुकिंग एज अ सेट, तो इसलिए बहुत ज्यादा बॉइल्ड वगैरह खाना तो मैं नहीं खा पाता हूँ. प्लस वी आर शूटिंग इन जयपुर, तो वो भी थोड़ा एक यू नो चैलेंज है, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो इट्स आउट ऑफ योर ओन होम एंड कम्फर्ट जोन. सो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं 1700 कैलोरीज कंज्यूम करूँ, एंड प्रिफर ये करता हूँ कि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो कर सकूँ तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इट वर्क्स फॉर मी. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कीजिए, क्योंकि इट्स अ वेरी इट्स समथिंग विच यू शुड कंसल्ट विद अ डाइटिशियन, बट फॉर मी इट वर्क्स. तो मैं 18 आवर्स के इंटरमीडिएट फास्टिंग करता हूँ, जिसमें जो इसका मतलब यह है कि डिनर अगर मैंने 8 बजे किया है तो उसके 18 घंटे के बाद मैं अपना फर्स्ट मील खाता हूँ, विच इज प्रीटी मच लंच. सो वो थोड़े से तो घंटे बचते हैं, उसमें फिर कुछ भी खा लो कुछ फर्क नहीं पड़ता. बट फॉर्चुनेटली आई एम नॉट अ स्वीट टूथ, आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ, तो इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है. Okay, but being a Delhi guy, how is it for you surviving in Jaipur with the food and वहाँ का everything like climate? क्योंकि Delhi का climate हम already जानते हैं कैसा होता है. Well, मैं अभी तो फिलहाल नैनीताल में हूँ, और to be honest, मैं ठंड से मतलब थक चुका हूँ, क्योंकि मैं पहले दिल्ली में था, you know, where I was shooting for something. Then from there only I went to Bombay. Then I went, now I'm in Nainital, then I'll be back to Jaipur. तो मुझे लगता है कि मैं ठंड से तो बहुत परेशान हो चुका हूँ. बट खाना इज ओके, बिकॉज नॉर्थ का खाना हर जगह का ही बहुत अच्छा होता है, चाहे आप दाल बाटी चूरमा ले लो या परांठे ले लो, तो खाना इज ओके, इज नॉट अ बिग डील. बट यस, वेदर आई थिंक, मुझे लगता है कि बस सर्दी चली जानी चाहिए, एंड आई वॉन्ट टू लिव लाइक अ नॉर्मल लाइफ. Okay. Ankit, you have been part of Nagin as well, and हम देख सकते हैं कि अब दोबारा से नागिन का नया सीजन आ रहा है. क्या आपने देखा उसका जो फर्स्ट लुक सामने आया है, जो कॉन्सेप्ट इस बार होने वाला है, how is it? I think it's very interesting. नागिन एक सीरीज है जो कि हर कोई पसंद भी उतना ही करता है जितना उसके बारे में लोग बात करते हैं. सो तेजस्वी इज अ वेरी गुड फ्रेंड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो नागिन बनी है. एंड ऑफकोर्स इट इज रिलेटेड टू कोरोना वायरस एंड अ लॉट ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट दिस टाइम, विच इज वॉट वी आर सीइंग अराउंड. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू द शो. Okay, it is a double win for Tejasvi as well, क्योंकि Big Boss भी जीते and then back to back Nagin भी मिल गया. And जहाँ आप कह रहे हैं कि आपकी दोस्त भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इन सारी चीजों को लेकर? I am very proud of it, very proud of her actually, and I'm very happy for her. वो बहुत ही hardworking लड़की है. हम लोग इंडोनेशिया में साथ थे, and I must tell you that she's a fantastic dancer, a fantastic human being. In fact, उसकी mom जो है वो भी बहुत ही प्यारी है. So, you know, I always believe for hardworking people, success may not come easy, but it is definitely going to come. And that's what is happening with Tejasvi also, and I'm very proud of it. राइट ओके, आपने क्या उनकी जर्नी देखी, लाइक थोड़ा भी बिग बॉस अगर आपको देखने को मिला, उनके कैरेक्टर के बारे में, जिस तरह से वो ऑफ कैमरा रहती हैं या फिर जिस तरह से उन्होंने अपनी एक पूरी एक पर्सनालिटी दिखाई बिग बॉस में, हाउ डू यू थिंक कि कितना सिमिलर रहा या कितनी रियलिस्टिक रही? Yeah, I'll be honest to you, मैंने बिग बॉस इतना नहीं देखा, because I was shooting for, you know, घर एक मंदिर, तो टाइम ही नहीं मिलता था. बट मैं ये जानता हूँ कि तेजस्वी जो है वो बहुत ही बिंदास है, एंड आई थिंक वो वैसी ही थी बिग बॉस में भी. वट एवर शी डिड नॉट लाइक शी वुड से आई डोंट लाइक, एंड वट एवर शी लाइक शी वुड से आई लाइक. तो उसे किसी भी चीज का डर नहीं है, बहुत ही निडर है वो, विच इज वॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू नो. एंड शी इज वेरी कम्फर्टेबल विद हर सेल्फ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इन अ रियलिटी शो जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग जज कर रहे होते हैं और आपको पता है वो आपको जज कर रहे हैं, उस टाइम पे अपने आपके अपने स्किन में कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है. सो आई थिंक मैंने देखा नहीं है, बट आई एम श्योर शी मस्ट हैव डन द सेम. Okay, Ankit, should we expect you and Big Boss in any coming upcoming season? You never know. Do you think it is one of us, like basically? See, I love to push myself to limits. So, being a part of Big Boss भी एक बहुत ही नया experience होगा, क्योंकि मैंने आज तक कोई reality show नहीं किया है. So, it will be fun. But अब वो cup of tea है या नहीं, ये तो तब पता चलेगा यार, जब actually तुम्हारे सामने चाय की प्याली आएगी कि उसमें कितना अदरक है और कितनी इलायची है और आपको पसंद है कि नहीं. But I think अगर मुझे उस Big Boss घर में डाला जाएगा तो I would love to play the game. That's what is most important. Okay, apart from this, खतरों के खिलाड़ी भी है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट भरा शो है, इतना ज्यादा बस क्रिएट करता है, फैंस पसंद करते हैं. डू यू थिंक यू कैन, मतलब आपके वही कप ऑफ टी है या नहीं खतरों के खिलाड़ी एज वेल?
खतरों के खिलाड़ी इज डेफिनेटली माय कप ऑफ टी बिकॉज आई लव एडवेंचर. इनफैक्ट यू नो आई हैव अ बिग चेकलिस्ट जो कि मैं टिक करता रहता हूँ. सो लाइक आई रिसेंटली डिड स्काई डाइविंग बिफोर द पैंडेमिक हिट इन दुबई. आई हैव डन बंजी जंपिंग इन न्यूजीलैंड. सो खतरों के खिलाड़ी इज डेफिनेटली माय कप ऑफ टी एंड आई वुड रियली लव टू बी पार्ट ऑफ इट यार बिकॉज यू नो अगेन एज आई सेड इट पुशेस यू टू अ न्यू हाइट. तो आपका डर हो या फिर वो इंसेक्ट से हो या हाइट से हो या पानी से हो वो सब निकाल के ही छोड़ते हैं. एंड स्पेशली मिस्टर यू नो रोहित शेट्टी इज सच अ फैंटास्टिक होस्ट यार. आई थिंक इट विल बी अमेजिंग टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम. इट वुड बी अमेजिंग फॉर अस एज वेल टू वॉच यू इन बोथ ऑफ द रियलिटी शोज. सो अंकित, वन थिंग दैट आई वांटेड टू नो कि कितना डिफिकल्ट हो रहा है, कितना अब हम यूज्ड टू हो गए हैं शूटिंग इन पेंडेमिक, क्योंकि अभी भी काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं एंड देन यू कांट बी कंप्लीट एक्सपोजर नहीं मिलता है. तो क्या किसी तरह का आप ऐसा फील करते हो कि दायरा है या एक्टिंग पूरी तरह से उस तरह से नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ दिस जो रिस्ट्रिक्शंस है? ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि इसमें एक्टिंग पे एज एन एक्टर को ज्यादा फर्क पड़ता है. बट हाँ ये होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे ही शो में घर एक मंदिर में यू नो इफ कोई बीमार पड़ता है तो सब घबरा जाते हैं कि अरे ये कहीं कोरोना तो नहीं है. सो वो एक डर है जरूर यू नो. बट आई थिंक हाउ यूरोप एंड यूके हैज यू नो काइंड ऑफ एवरीबडी हैज सेड दैट ये फ्लू है और इसी के साथ हमें जीना पड़ेगा. सो आई थिंक लेट्स डू दैट यू नो इंस्टेड ऑफ बहुत हो गया यार कंप्लेन कर करके कि अरे क्या हो गया अब हमें मास्क पहनना पड़ रहा है अब हमें ये अब जो है सो है. So I personally feel that let's live with it, take your precautions and just move forward the way it is. All right. Okay. Lastly, Ankit, क्या कुछ expect करना चाहिए आपके सारे ही fans और viewers को कि क्या एक नया धमाका या twist वो expect कर सकते हैं घर एक मंदिर में? बहुत 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 बड़ा twist आने वाला है घर एक मंदिर में जो कि audience को बहुत ही ज़्यादा exciting लगेगा. ऑफ कोर्स सिद्धांत और वेदांत तो हैं ही लेकिन उसके साथ साथ गेंदा की जिंदगी में भी बहुत बड़ा एक धमाका होने वाला है. साथ ही में यू नो वरुण और गेंदा के रिश्ते में बहुत ज्यादा बदलाव आने वाले हैं. सो आई मस्ट टेल यू दैट इफ यू आर वॉचिंग इट देन यू शुड कंटिन्यू वॉचिंग इट. अगर आप नहीं देख रहे हैं तो घर एक मंदिर 9 बजे एंड टीवी पे जरूर देखें बिकॉज देयर इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दैट इज गोइंग टू हैपन सून. All right. Thank you so much, Ankit, for joining with us on Bollywood Spy. For having a lovely conversation. Thank you, Roshni. Take good care. Bye-bye. Bye-bye. Take care.